नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपगढ़ ज्योति चैनल, मैं आपके साथ प्रियंका। बींज बायला से हमारे संवाददाता प्रदीप अरोड़ा ने बताया कि श्री गंगानगर के बींज बायला में आज एक महिला नरेगा श्रमिक बोरवेल में गिर गई। यह बोरवेल करीब 60 फीट नीचे था। गनीमत रही कि मौके पर मौजूद नरेगा श्रमिकों ने महिला को बाहर निकाला और नरेगा मेट बींज बायला सरपंच साधुराम को सूचना दी। मौके पर सरपंच व डायरेक्टर पंचायत LDC सत्यदेव शर्मा व द्वारका प्रसाद पहुंचे और महिला श्रमिक को अस्पताल में पहुंचाया। बींज बायला के अस्पताल में प्रथम जांच रिपोर्ट करने के बाद तुरंत श्रीगंगानगर रेफर कर दिया गया, जहां महिला का इलाज चल रहा है। आपको बता दें कि बींज बायला से 38 LNP रोड पर नहर के पास मनरेगा का कार्य चल रहा था। नरेगा मेट ने बताया कि महिला श्रमिक शौच करने के लिए वहां से चली गई। जैसे ही झाड़ियों के पीछे पहुंची, वहां बोरवेल टाइप खेत में कच्ची कुई बनी हुई थी, जिसमें महिला श्रमिक का पैर फिसलने से वह 60 फीट नीचे गिर गई। तेज आवाज आने पर नरेगा श्रमिक भागे और हिम्मत दिखाते हुए कपड़ों से रस्सा बनाकर महिला को सुरक्षित बाहर निकाला। महिला का राजकीय जिला चिकित्सालय में इलाज चल रहा है। ग्राम पंचायत सरपंच साधुराम ने बताया कि महिला श्रमिक के किसी तरह की कोई बाहरी चोट नहीं आई। अब महिला श्रमिक की स्थिति में काफी सुधार है। महिला श्रमिक के परिवारजन भी मौके पर पहुंचे और इस पूरे घटनाक्रम की सूचना संबंधित विभाग को दे दी गई है और इस घटना स्थल पर घमुंड वाली पुलिस ने पहुंच कर मौका देखा। बींज बायला में नरेगा चलते हुए आज नरेगा जब काम पर श्रमिक काम पर जाने के बाद में जब नहर पर एक महिला शौच करने पास में खेत में चली तो वहाँ कुई के पास में कुई खोदी हुई थी, उसमें पैर फिसलने के कारण वो कुई में गिर गई और वहाँ हमें समाचार मिला मेट साहब के तरफ से भी एक महिला कुई में गिर गई है। उसके बाद में हम वहाँ जाकर मौके पर उसको निकाला। निकालने के बाद में हॉस्पिटल में भर्ती करवा कर उसको दवाई पानी देकर गंगानगर रेफर कर दिया। अब मौके पर वो ठीक है। ग्राम पंचायत बींज बायला द्वारा आज नरेगा कार्य है जो शुरू किया गया था, तो हमें सूचना मिली मेटों द्वारा कि एक महिला शौच करने के लिए गई थी जो बोरवेल में पैर फिसलने से अंदर गिर गई और हम मौके पर पहुंचे और श्रमिकों ने उनको, जो महिला थी उसको बाहर निकाल लिया गया और हॉस्पिटल में उनको भर्ती करवा दिया गया। अब उनकी तबीयत है वो सकुशल है और डॉक्टरों ने भी उनको खतरे से बाहर बताया है। यहाँ आज मनरेगा का काम स्टार्ट हुआ है और एक श्रमिक है यहाँ जो शौच करने के लिए गई थी, वो अचानक उसका पैर फिसलने से वो बोर की कुई थी 60 फुट गहरी, उसके अंदर शौच करने के लिए गई, पैर फिसलने उसके अंदर चली गई तो उसे यहाँ शोर शराबा हुआ। फिर हम सब इकट्ठे होकर के उसे बचाव करके रस्सी से निकाला गया, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। उसकी तबीयत अब ठीक है।